उनका कितना प्रोफाइल है। ये मैसेज जब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो भी फायर की तरह पूछता है, ये भी जो मैसेज है फायर की तरह ही पूछेगा, और जिधर आग जलती है तो लोग बाहर से आगे देखते हैं कि भाई ये आग किधर से चलती है। सो डेफिनेटली इसका बहुत आउटरीच होगा, और तो एक जगह से सीमित होकर काम नहीं कर रहे, ये ऑल ओवर हमारे एक इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू, नेशनल बॉडी के थ्रू, और जितनी भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्लेटफॉर्म पर काम। मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे, इतना प्यारा, इतना सराहनीय आपने एक कदम उठाया है और एक जागरूकता फैलाने की आपने कोशिश की है, इस इवेंट के बारे में आप बताइए और कितने कोशिशों के बावजूद बाद आपने ये पूरा आपने किया है। जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज इनका ये मैसेज दुनिया के लिए, और खुसूसन आपने देखा होगा कि हमारे स्टेज पर लगे हुए 10 ऐसे बैनर जो मिडिल ईस्ट के हिस्से में हैं, और ये तमाम के तमाम बैनर में बसने वाले लोग, इस मुल्क में रहने वाले लोग दहशतगर्दी के शिकार हैं। उस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक पहल हुई है हिंदुस्तान की सरजमीन से, और खुसूसन बॉम्बे की सरजमीन से, मनोज सोहेल भाई और तमाम तंजीमों की जानब से, और खुसूसन दारुल फैज़ान निज़ाम ने जो स्टेप लेने की कोशिश की है। यकीनन मैं ये चाहूँगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान और खुसूसन पूरे मिडिल ईस्ट से दहशतगर्दी का खात्मा हो सके, और उस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमें जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे सबसे ये है कि एजेंसीज हमारे साथ हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, और इंशाल्लाह तबारक व तआला हम वो काम यहाँ से करेंगे जिसकी शुरुआत आज पूरे गांव के सरजमीन से हुई है। आने वाले वक्त में ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में पहुँचेगा, और जैसा कि आपने देखा कि मिडिल ईस्ट के जितने भी खत्ते के फ्लैग्स आप देख रहे हैं, इन तमाम मुल्कों तक इंशाल्लाह तबारक व तआला हमारा पैगाम पहुँचाएंगे, और उन मुल्कों में जाकर अपने तमाम उलमा इकराम मुफ्तियान निज़ाम वहाँ पर भी वही मैसेज देंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। एक तारीख रकम हो रही है हिंदुस्तान की सरजमीन से, और खुसूसन बॉम्बे के घोरे गाँव की सरजमीन से, इसकी इफ्तिताह आलमी क़याम अमन की इफ्तिताह इसी सरजमीन से हो रही है। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के बसने वाले लोग, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, और हमारे सोहेल भाई, हमारे फारूक भाई, और तमाम आए हुए तमाम मेहमान, इन लोगों ने हमें उत्साह दिया है, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला हम यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। भारत एक शांति प्रिय देश है, हमने ये सुना है कि जो हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जो हमारे कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ क्या कोलैबोरेशन रहेगा और शांति को कैसे बढ़ाया जाएगा। देखिए इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिस मजहब के अंदर में पीस को सबसे अवलियत और फोकियत दी जाती है, और यही मजहब इस्लाम का जो मैसेज है तमाम मुल्कों की तरफ बढ़ा हुआ है, और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज वक्त की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, पूरी दुनिया अमन चाहती है, और अमन को आगे बढ़ाने के लिए, अमन को कायम करने के लिए हम जो स्टेप ले रहे हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुल्क हमारे साथ हैं, और इस इंशाल्लाह तबारक व तआला दहशतगर्दी का खात्मा की दुनिया इंटरनेट के जरिए से लोगों तक पहुँचेंगे। ये क्रैश होकर के अल्लाह तबारक व तआला की एक मार उन लोगों पर पड़ गई है, और उसके शिकार वो हो चुके हैं। इंशाल्लाह हमें दुआ भी करते हैं, और साथ ही साथ हमारी कोशिश भी है कि दहशत के खात्मे के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़े हम लेंगे, और अल्लाह की मार तो उनके ऊपर तो पहले भी थी, आज भी है, और हमेशा रहेगी। आतंकवाद इतने समय से अचानक आज ही आपको ये याद क्यों आई, बहुत समय से चल रहा था ये, अचानक आज ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम और आ गए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम 1400 साल पहले से आतंकवाद को खत्म करने का था, मेरे रसूल ने भी आतंकवाद को खत्म किया था 1400 साल पहले मक्का की सरजमीन से, और इस्लाम का सच्चा पैगाम, इंसानियत का सच्चा पैगाम, अमन का सच्चा पैगाम मेरे पैगंबर ने दिया था, उसी कड़ी से कड़ी मिलाते हुए हम गुलामान रसूल यहाँ हाजिर हुए हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह की उस्मत पर अमल करते हुए हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शुक्रिया।